मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स हैव बुक द डेमो एट द हिंदू जोन डॉट कॉम विच इज़ अ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म ऑन विच यू नीड टू बुक the demo only through thehinduzone.com which is the verified platform. You know that a lot of scams are going on. There are the times when coachings are open and then the coachings are off and you have already paid the fees. This is the only reason students, more than 4 lakh students have booked the coaching demo with thehinduzone.com. Call at the given number 0800 22 2298 at thehinduzone.com. Speak with the psychologist counselor at thehinduzone.com and book your demo now in the verified coaching only. Don't get into the false trap. Choose the right coaching, The Hindu Zone. हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूँ डेली आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन से, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए हमारी वीडियोज और हमारा चैनल जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, एंड वीडियो को जरूर देखें एंड तक देखें, एंड वीडियो को एंड तक देखने के बाद प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, साथ ही अपने जो व्यूज हैं वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। स्टूडेंट, हिंदू जोन के बारे में बताना चाहूंगी। हिंदू जोन हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एंड द हिंदू जोन डॉट कॉम पर जाकर आप अपनी डेमो क्लासेस विद इन कोचिंग भी बुक कर सकते हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ अपनी डेमो क्लासेस बुक कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो अभी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर हुए हैं और उनके मन में कुछ कॉमन से डाउट्स आते हैं या कुछ कॉमन सी जो चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो यही आता है कि आपको लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ है। ये डाउट सबके मन में रहता है जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, किसी से ऐसी बातें शेयर करोगे कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ज़रूर आपको ये सुनने को मिलेगा, अरे ये एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो बेसिकली आपको उनकी बातों से नेगेटिव फील नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना। एग्ज़ाम टफ ज़रूर है, बट अपने आप में एग्ज़ाम टफ नहीं है। टफ इसको कंपटीशन बनाता है। अपने आप में टफ इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि माउंट एवरेस्ट अपने आप में एक टफ है कंक्वर करना, फिर भी लोगों ने वो किया है। अपने आप में टफ है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। उस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, अपने आप में यूपीएससी एग्ज़ाम टफ नहीं है, लेकिन ये टफ इसलिए है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको उस कंपटीशन से घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ ऐसे मज़े में ये पेपर का जो है फॉर्म भरते हैं। आपको नंबरिंग दिखाई होगी ना, 5 लाख कुछ, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो फालतू में इस पेपर को फॉर्म को भरते हैं ये मज़ा लेने के लिए कि चलो एक बार यूपीएससी का पेपर भर लेते हैं, एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, हॉल में बैठ के देखते हैं। ये भी एक अलग फील उन लोगों के लिए होता है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। सीरियस कैंडिडेट्स यूपीएससी एग्ज़ाम के हॉल में बहुत ही कम होते हैं, तो आपको उनसे कंपटीशन फाइट करना है और नेगेटिव तो बिल्कुल भी फील नहीं करना है किसी की भी बातों से। It is very important to take the test series to complete your preparation. So if you want to take the test series, these are the tested platform where from where you need to take the test series, because the content and the quality questions on these platform are very much up to date and are from different resources across pan India basis. So if you are preparing for UPSC examination, these are the platform: Examophobia, Online Khan Market, The Hindu Zone, Murnal.app, Plutus IAS, Yojana IAS. Especially the test series of Plutus IAS is very good and best in the market for UPSC examination preparation, followed by Yojana IAS coaching institution. The test series in Plutus IAS and Yojana IAS are which is Delhi based IAS coaching institute. The test series at these center are from different topmost coachings across India, including Delhi. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब आपको ये चूज़ करना होता है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन। जब से कोविड हुआ है तब से ये बहुत कॉमन डाउट हो चुका है, क्योंकि अब ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है यूपीएससी में, एंड ऑफलाइन तो पहले से अच्छा है ही। तो स्टूडेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप इतना अच्छा टाइम दे पा रहे हैं ऑफलाइन के लिए। मतलब अगर आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपका टाइम फालतू उसमें वेस्ट नहीं हो रहा है, या पीजी में रह रहे हो और आपके जस्ट पास में ऑनलाइन आपकी कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर आपको फैकल्टीज अच्छे वहाँ पे मिल रहे हैं तो आप ज़रूर ऑफलाइन ले सकते हैं। आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर आप ऑनलाइन का जो
सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बायजूस का लेते हो, अगर आप वो अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। फैकल्टीज़ की मैं बात करूँ, देखो फैकल्टीज़ हर जगह बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी आपको एरा गैरा नथु गैरा नहीं पढ़ाएगा, तो फैकल्टीज़ बहुत अच्छे होते हैं। बात स्टूडेंट्स पे आ जाती है, एट द एंड हार्डवर्क आपको ही करना है, तो इस चीज़ में मत फंसे रहिए, फटाफट क्विक डिसीजन लीजिए और फिर देखिए आपको ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है। टू कम्प्लीट योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू वॉन्ट जेन्यून नोट एंड जेन्यून स्टडी मटेरियल देन यू शुड डेफिनेटली विजिट onlinekhanmarket.com। एट दिस प्लेटफॉर्म यू विल बी गेटिंग द बेस्ट कंसोलिडेटेड नोट्स, अपडेटेड नोट्स ऑफ एनी एग्जाम ऑफ एनी कोचिंग। डाउनलोड नोट्स नाउ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है, एनसीईआरटी पढ़ें या फिर ना पढ़ें। अब ये बहुत एक कॉमन डाउट है, मेरे मन में भी था, बट हाँ एनसीईआरटी देखिए मेरा जो मानना है वो यही है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली समझ पा रहे हो चीज़ों को तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि बेसिक क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब किसी पर्सन को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो क्या वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेगा पॉलिटी? नहीं ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी क्या है, कंस्टिट्यूशन क्या है, तो आप कैसे स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली पढ़ लोगे? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटी को पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाती है। तो बहुत ज़रूरी है आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो आप एनसीईआरटी से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। बट अगर हाँ आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लियर है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ फ्यूडरलिज्म, व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से ही अपनी स्टडीज कीजिए। और समझ नहीं आता है तो यूट्यूब में बतेरे चैनल्स पड़े हुए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक नाम का ही ना शगुन टाइप हो गया आजकल, तो एनसीईआरटी पढ़ना शगुन करना है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब में बहुत से चैनल्स हैं अनअकैडमी के स्पेशली हैं, यूपीएससी 101 में अगर आप जाओगे, एनसीईआरटी 101 में सॉरी, तो आपको अनअकैडमी का एक चैनल है एनसीईआरटी 101, तो वो आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराता है, तो आप वीडियो के माध्यम से भी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Looking for the ranking of coaching institute or you are in the selection of best coaching institute in your city, always check the ranking at instituterank.com, blog.oureducation.in, bestcoaching.app, onlinekhanmarket.com, thehinduzone.com. The verified and best coaching institute with the best track record are listed at these platforms only. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है जो स्टूडेंट्स को यूपीएससी के रिगार्डिंग होता है कि क्या अब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुस गए हैं तो क्या अब हमें पूरी दुनियादारी सबको छोड़ देना चाहिए? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बिल्कुल गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, आप सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की, आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपका मन करे कुछ चीज़ें करने का, अगर आपको घूमने का मन है तो ज़रूर आप घूमने जाइए, ब्रेक लीजिए। हाँ बिल्कुल आपको घुमक्कड़ नहीं बनना है, बट हाँ चीज़ें आप जब पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद आपको थोड़े ब्रेक की तो ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल आप घूमने जा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप थोड़ा सा फ्री टाइम निकालिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, फ्रेंड्स के साथ रहिए, कॉल पे बात कीजिए या फेस टू फेस उनसे मिलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपकी हॉबीज़ हैं पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो आप अपने ब्रेक टाइम पर कर सकते हो। आपको बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, वो आपको फिर स्ट्रेस में ज़्यादा डालेगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन यहाँ से ख़राब होगी, तो आप ऐसे मत कीजिए। बिल्कुल आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप बहुत अच्छे से इंजॉय करिए, लेकिन जो आपका पढ़ने का टाइम है वहाँ पे फिर आप फोकस होकर पढ़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।